हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें पांच बहुविकल्प के क्वेश्चन की क्वेश्चन देखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या हो गई। तो -4 है, देखते हैं इसमें कौन है छोटा है सबसे। ये तो -1 है, ये 0.2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है -7 है। इसमें क्या होता है, जो माइनस सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को लेते हैं। जैसे होल नंबर है ना, 7/9 दिया है, ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि 16, 32 और 64 का लॉसा ज्ञात कीजिए। हम लॉसा ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो, 16, 32 और 64 का। इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे 8, इसमें 16 हो जाएगा, इसमें 32 है, फिर 2 से भाग करेंगे 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 होगा, 4 होगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1, 2, 4, फिर 2 से भाग करेंगे 1, 2, फिर 2 से भाग करेंगे 1, 1, 1। अब इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसको अब यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 32 × 64, यानी कि 64 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y को हल करना है। तो क्या करेंगे, माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे और 0.5 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 1.5, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5y = ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 1.5 में से 0.5 निकलेगा तो ये हो जाएगा y = 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दिया है y z - x + z x - y + x y - z। क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा yz - yx + इसका इसमें गुणा हो जाएगा zx - zy + इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा xy - xz। देखते हैं क्या क्या कॉमन है, xz है, zx ये प्लस है और ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे xy है, ये xy है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे yz है और zy, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, संगत ऊंचाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 45 = 1/2 × आधार दे दिया है 15 × ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, यानी कि h ज्ञात करना है। इसका क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, 15 ×
45 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 बराबर एच हो जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 6। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब चलते हैं आगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या की मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि 83 संख्या है, इसे क्या करना है, इसको बस बदल देना है। तो मान लीजिए 83 अंक है, अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, उल्टा बस कर देंगे। अगर इसको हटाएंगे तो 3 में से 8 नहीं जा हासिल लेंगे, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, समीकरण इतना को हल करना है, यानी समीकरण दे दिया है क्या, -4x + 3 = -6x - 18। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये -6 को इधर पक्षांतर कर लेंगे और +3 को उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये -4x, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6x बराबर, ये -18 है, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 6 में से 4 निकलेगा तो 2x बराबर 18 और 3 कितना आ जाएगा -21, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा -21/2, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लंबाई दे दिया, एक कक्षा की दीवारों की लंबाई है यानी कि 8 मीटर, चौड़ाई दे दिया है, सॉरी लंबाई दिया है 11 मीटर और चौड़ाई दे दिया 8 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। अबे क्या कह रहा है, कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 L + B × H। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, 2 L बराबर कितना दे दिया, यानी कि लंबाई 11 प्लस चौड़ाई 8 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर 11 और 8 हो जाएगा 19, ×5, 5 × 10 हो जाएगा, ×19, 19 × 10 में गुणा करेंगे तो 190 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि परिमेय संख्या -7/9 -5/11 और -2/-3 को आरोही क्रम में लिखना है, इसे हमको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है इसका एलसीएम लेंगे, 9 है, 21 है और 3 है, इन दिल्ली के 9 और 7 = 63 हो जाए, यानी कि उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 63। तो क्या है, 7 है, 7/9 है, 9 से 6 भाग देंगे 7 बढ़ जाएगा, 7 से 6 गुणा कर देंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 21 से 21 = 63, 3 से 6 गुणा करेंगे तो -3/5 = 15 हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया है, हमारा एलसीएम कितना है 63 है ना, तो चलते यहाँ पे -7/9 दिया है, इसको क्या करना है, हमको हर को बराबर करना है, तीनों जो दिया है ना ऑप्शन, इसे एलसीएम बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करें, यहाँ पे क्या आ जाए 63 हमारा है ना एलसीएम, इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा
सात सत है 49 और 9 सात है 63। एक हमारा ये संख्या हुआ। दूसरा संख्या देखते हैं -5 बेटा के 21। तो 21 में किस संख्या से गुणा करें कि 63 हो जाएगा, 3 से। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 21 = 63। एक ये संख्या हो गया। और तीसरा देखते हैं 2 / -3 दिया है, तो 3 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि कितना हो जाए एलसीएम, 63 हो जाए। यानी कि 21 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 21 × 42 हो जाएगा और 21 × 63 ये भी माइनस में हो जाए, तीसरी संख्या हो गया। तब कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए, इसका आरोही क्रम हो जाएगा सबसे पहले देखते हैं माइनस में सबसे बड़ा कौन, एक ये है -49 अपान के 63। उसके बाद ये है -42 अपान के 63। और उसके बाद कौन है, ये है -15 अपान के 63। ये आरोही क्रम हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये छूट गया था क्वेश्चन, अब चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x² + 1/x² जहां, यानी कि जबकि दे दिया है x + 1/x = 2 दे दिया। इसको लेते हैं सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a² + b, इसको इसी पर रख देंगे। ये होता है a + b² - 2ab, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। ये हो जाएगा x + 1/(x²) - 2 × x × 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, x + 1/x = दे दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2² - 2, इसका वर्ग करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जो आ गया, कितना 2 आ गया। यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इसके बाद ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। क्या करेंगे, 429 में से 348 हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 429 - 348, 9 में 8 जाएगा 1, 12 में 4 जाएगा 8, 3 में 3 जाएगा 0, यानी कि 81 वर्ष तक जीवित रहे, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 6 नहीं, इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद 3 और क्वेश्चन लिखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 112 - 121 भागे ब्रैकेट में 11 × 11 -4 3 -8 - 1 112 - सबसे पहले क्या करेंगे, जो बार है उसको हल करेंगे, 121 भागे 11 × 11 -4 3 -8 में से 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हल करेंगे, 121 भाग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 और 7 में से 3 निकलेगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई है -4 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 112 माइनस, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 121 भागे 121, ये हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा, 112 में इसका इसमें भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 हो जाएगा, 112 16 में से एक निकलेगा तो -15 बचेगा, तो जब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 इसको जोड़ देंगे, 5 2 7 1 1 2 और एक है तो एक, यानी कि 127 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे एक माइनस छूट गया है, इसके वजह से आंसर सही नहीं आ पाया है। यहाँ पे ये माइनस होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस है, जब ये माइनस 4 आया तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 है और 4 हो जाएगा 8, और इसका इसमें भाग करेंगे तो यानी कि 1 होगा, प्लस 8 हो जाएगा, 8 में भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा -9 और 112 में से 9 निकालेंगे तो हो जाएगा 103, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। इसका क्या करेंगे, इसको हमें ज्ञात करने के लिए इसका हम मौसम निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह दिया है, 3, 6, 12 एंड 15, इसका हम मौसम निकाल देंगे, 3, 2, 4, 5, यानी कि कह रहा है कि 15 के बंडल में अलग अलग किंतु कितनी बराबर बराबर बार बांटी जा सके, यानी कि 3 बार, 3 बार क्या होगा बराबर बांटी जा सकेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं क्या कीजिए। तो माना प्रथम संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 2x और दो संख्याओं को योग दे दिया है ये हो गया। तो प्रश्न अनुसार इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 3x बराबर कितना दे दिया है x प्लस 2x, सॉरी x प्लस 2x कितना दे दिया है 24 को जोड़ देंगे, 2x और x ये हो जाएगा 3x बराबर 24, x बराबर हो जाएगा 24 बटा के 3, 3 बटे 24, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहली संख्या कितना आ गया 8 आ गया, तो दूसरी संख्या है ज्ञात की क्या था 2x, यानी कि 2 × 8 बराबर कितना आ जाएगा 16, दूसरी संख्या 16 हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC, यानी कि एक त्रिभुज दे दिया है ABC तथा एक त्रिभुज दे दिया है PQR, दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है, तो कह रहे त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दे दिया है ABC की भुजाओं का मान दे दिया है और पूछ रहा है PQR का मतलब मान क्या होगा, इसमें एक भुजा दे दिया है, दूसरी भुजा पूछ रहा है और तीसरी भुजा पूछ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि AB बराबर दे दिया है
2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पी क्यू ज्ञात करना है, तो पी क्यू बराबर क्या होता है, इसका आधा होता है, यानी कि दोनों क्या है समान भुजाएं हैं, यानी कि ये समान भुजाएं हैं, इसका क्या होता है आधा होता है, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये क्या है ए सी बराबर दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर बराबर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे इसका इसमें 2 से भाग करेंगे, यानी कि इसका आधा होता है, ई हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये दोनों का मान हो गया, एक का 1 आया, एक का 1.4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि x प्लस y प्लस z बराबर दे दिया है बाहर, और कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 64 दे दिया है। अब पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग 12 का वर्ग, इसका वर्ग खोलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 12 कवर करेंगे 144 हो जाएगा। इतना बराबर क्या दे दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड बराबर कितना दे दिया है 64, यहाँ पे 64 लिख लेंगे, प्लस इन तीनों में 2 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 144 को क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा 144 माइनस 64। इसको घटाएंगे, 4 में 4 निकलेगा 0 होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी कि 80 हो जाएगा। 2xy प्लस yz प्लस zx, अब दो क्या करेगा इसमें भाग कर देगा, ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx बराबर 80 बटा के 2 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे 40 बार जाएगा, यानी कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर हो जाएगा 40। ये इसका मान है, इसका मान पूछ रहा था, इसका मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि मैदान की एक भुजा 125 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर है इसको क्या करेंगे मीटर में हम चेंज कर देंगे, 0.5 × 10,000 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 5000 आ गया, यानी कि मैदान की एक भुजा दे दिया है, मैदान की एक भुजा बराबर कितना दिया है 125 मीटर, और दूसरी भुजा पूछ रहा है, ये हमें दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो आज का क्षेत्रफल होता है, मैदान के आज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि आज का क्षेत्रफल इतना दे दिया है 5000
बराबर 125 गुणे चौड़ाई, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5000 बटा के 125। काटते हैं 5 से कटेंगे, 5 दुना के 10, 5 पचे 25, 5 एक में 5, 1000 हो जाएगा। ये काटेंगे 25 सौ के 100, एक जीरो बचेगा, यानी कि चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आंसर अब यानी कि दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, यानी कि 40 मीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अठारह कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में इतना ग्राम सभाएं हैं, तो प्रत्येक ग्राम सभा में इतना नलकूप है, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? ये दे दिया है, यानी कि x बराबर 1 हो तो नलकूप की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे ग्राम सभाएं न्याय पंचायत में, ग्राम सभाएं कितनी है, ये 2x+3, और न्याय पंचायत में ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं, नलकूपों की संख्या x² + 5x + 6, ये दे दिया है। तो पूछ रहा है कि न्याय पंचायत कुल कितने नलकूप है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 × x² + 5x + 6। अब कह रहे दे दिया है कि x बराबर 1 रखिए, हम यहाँ पे रख देते हैं x = 1, 1² + 5 × 1 + 6, 2 + 3 × 1 + 5 = 5 + 6, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 6 × 6 = 12, 12 × 5 = 60। नलकूपों की संख्या कितनी है, यानी कि 60 है। यानी कि BTC सेकेंड सेमेस्टर 2016 का क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।